तो आज के इस वीडियो में आपको पबजी टेस्ट करके दिखाने वाला हूँ Redmi Note 8 Pro में चार अलग अलग सेटिंग्स पर। मतलब इसमें आपको जितने भी फ्रेम रेट्स मिलते हैं उसके आपको हायर फ्रेम रेट पर टेस्ट करके दिखाने वाला हूँ और चार अलग अलग ग्राफिक सेटिंग्स पर टेस्ट करके दिखाने वाला हूँ। और यहाँ पर आपको FPS काउंटर भी दिख रहा होगा ऊपर, तो आप इसमें रियल टाइम पर FPS भी देख पाएंगे, कितने कितने FPS आपको देखने को मिलेंगे। तो सारी डिटेल्स मिल जाएगी इस वीडियो में, तो इस वीडियो का एंड तक देखते रहिए। तो मेरा नाम है कुलभूषण और आप देख रहे हैं कीवर्ड। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको ग्राफिक्स की सेटिंग्स दिखा देता हूँ कि आपको कौन कौन सी ग्राफिक्स सेटिंग्स देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ स्मूथ विद एक्सट्रीम फ्रेम रेट देखने को मिलेगा, और इसके बाद आपको देखने को मिलेगा बैलेंस्ड विद अल्ट्रा फ्रेम रेट और HD विद अल्ट्रा फ्रेम रेट एंड HDR विद अल्ट्रा फ्रेम रेट। अल्ट्रा HD आपको नहीं देखने को मिलेगा। और 206 दिन बाद मैं यहाँ पबजी खेल रहा हूँ, तो मेरी परफॉर्मेंस पर ध्यान मत देना, फ़ोन की परफॉर्मेंस पर ध्यान देना, FPS पर ध्यान देना। तो यहाँ पर हम सबसे पहला टेस्ट करते हैं HDR विद अल्ट्रा फ्रेम रेट। तो यहाँ पर हमारा मैच जो है वो शुरू हो चुका है। मैं यहाँ पर आपको टाइम लैप्स में दिखाऊंगा, मैं काफ़ी फास्ट फॉरवर्ड में आपको दिखाऊंगा और यहाँ पर अपना कंक्लूजन बताऊंगा, आप समझ जाएंगे कैसे वीडियो होने वाली है। तो टेस्ट वन में मुझे इसकी एवरेज जो रेंज मिल रही थी FPS की, वो 30 से 45 FPS की रेंज देखने को मिल रही थी। तो इस तरह से अप डाउन हो रही थी, कुछ भी आपका ऐसा बैलेंस नहीं था कि इतनी फ्रेम रेट मिल रहा है, इतनी रेंज मिल रही थी। लेकिन आपको मैं पूरे मैच के दौरान बताऊं, जो मुझे एवरेज फ्रेम रेट्स मिले हैं वो 35 FPS देखने को मिले HDR विद अल्ट्रा फ्रेम रेट के साथ। तो ये हमारा टेस्ट वन था। तो इसके बाद हमने अपना टेस्ट टू शुरू करा है। तो टेस्ट टू में आपको दिखा देता हूँ कि हमें क्या हमने सेटिंग करी थी। तो हमने सेट करा था HD विद अल्ट्रा फ्रेम रेट। तो यहाँ पर भी मैं मैच को जो है वो शुरू कर देता हूँ। और यहाँ पर मैंने इसका जो FPS काउंटर है इसको चेक करने के लिए, तो मैं इसके जो गेम टर्बो है उसमें भी चेक कर रहा है, तो दोनों में लगभग सेम ही मुझे रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं। तो इसमें पूरे मैच में मुझे HD विद अल्ट्रा फ्रेम रेट में 30 से 45 की रेंज देखने को मिल रही थी FPS की, लेकिन पूरे मैच के दौरान मुझे 35 FPS का मुझे इसमें एवरेज देखने को मिला है। तो लगभग टेस्ट वन के जैसे ही रहा है। तो दोनों में लगभग सिमिलर ही परफॉर्मेंस आपको और FPS जो है वो देखने को मिलेंगे। और टेस्ट थर्ड जो था वो मैंने करा था बैलेंस्ड विद अल्ट्रा फ्रेम रेट। तो फ्रेम रेट मैंने हाई रखे है, जितने मैक्सिमम हो उतने ही रखे है, और आपको भी यही सेलेक्ट करना चाहिए। तो बैलेंस विद अल्ट्रा फ्रेम रेट में मुझे रेंज जो मिली वो 35 से 45 FPS की रेंज देखने को मिली, और यहाँ पर मुझे जो पूरे मैच के दौरान एवरेज FPS देखने को मिले वो 45 FPS देखने को मिले। तो इसमें आपको 5 FPS जो है वो एक्स्ट्रा देखने को मिल रहे थे बैलेंस में। तो अब हमारा टेस्ट 4 जो है उसमें मैंने रखा स्मूथ विद एक्सट्रीम फ्रेम रेट। तो इसमें देखते हैं क्या हमें देखने को मिलता है। तो इसमें मुझे रेंज जो देखने को मिली वो 50 से 60 फ्रेम रेट देखने को मिली, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और यहाँ पर पूरे मैच के दौरान स्टार्टिंग में मुझे स्मूथ विद एक्सट्रीम फ्रेम रेट में 55 FPS मुझे देखने को मिले एवरेज। और यहाँ पर इसके बाद थोड़ा मैच जब आगे चला गया, लगभग 20-30 मिनट हो चुके, तो मुझे 45 FPS देखने को मिले। तो इसका मतलब थोड़े से FPS डाउन हो गए थे, लेकिन 45 से डाउन नहीं हुए। तो ये कुछ अलग अलग सेटिंग्स पर मैंने फ्रेम रेट्स पर आपको टेस्ट करके दिखा दिया है। तो यहाँ पर मेरे ओपिनियन क्या है, तो भाई ये एक गेमिंग फ़ोन है जो कि बजट में लॉन्च करा गया Xiaomi की तरफ से, कैमरा सेंट्रिक और गेमिंग फ़ोन है ये। तो गेमिंग से हम कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि इसमें लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी दी गई है और इस तरह आपको बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिलते हैं गेमिंग के लिए, जैसे गेम टर्बो 2.0 देखने को मिलता है। तो हमें इससे गेमिंग से जो है वो एक्सपेक्टेशन जो थी वो कुछ ज़्यादा थी। और यहाँ पर आपको ग्राफिक्स जो है वो भी कुछ ज़्यादा ही देखने को मिलती है, नो डाउट इसमें आपको ग्राफिक्स भी ज़्यादा देखने को मिलती है और फ्रेम रेट्स के भी सारे ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। लेकिन भाई इसमें जो FPS है वो धीरे धीरे डाउन हो रहे थे, और मतलब इतने मतलब ठीक, मतलब इसके हिसाब से जो फ़ोन है जिस लिए लॉन्च करा गया था उस हिसाब से FPS फिलहाल तो देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन फिलहाल जो भी आपको FPS देखने को मिल रहा है वो इस बजट में और कोई स्मार्टफोन शायद ऐसे आपको FPS देखने को ना दे। शायद इसके अलावा आपको जो कुछ फ़ोन है उनमें आपको थोड़े कम फ्रेम रेट्स देखने को मिल सकते हैं। बाकी फ़ोन के साथ भी मैं कंपेयर करके दिखा दूंगा अगर आप कहते हैं तो नीचे कमेंट करके बता देना। इसके मैंने बहुत सारे टेस्ट कराए, कैमरा टेस्ट भी कराए, आप देख सकते हैं कैमरा भी भाई बिल्कुल ख़राब निकला है। तो आप देख सकते हैं इस वीडियो को आप सेटिस्फाई हो जाएंगे। आप ये मत समझना कि भाई मैं तो बुराई कर रहा हूँ, लेकिन इस वीडियो को देख लेना कैमरा वाले को और आप सेटिस्फाई होंगे, मेरे ओपिनियन के साथ एग्री होंगे।